असल में दुनिया में लोग फेमस होने के लिए क्या क्या नहीं करते. कुछ लोग एक्टिंग करते हैं, कुछ लोग डांस करते हैं, कुछ लोग सिंगिंग करते हैं, कुछ लोग कॉमेडी करते हैं, और कुछ लोग जो कॉमेडी कर रहे हैं उनको देख के खुश हो के फेमस हो जाते हैं. ऐसे भी होते हैं. देखिए आप, अपना अपना स्टाइल है. फेम हर किसी को अच्छा लगता है, और मैं फेम पाने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस सब्जेक्ट पे एक बड़ी कमाल की वेब सीरीज आ रही है जिसका नाम है द फेम गेम, और आज उसकी स्टार कास्ट हमारे बीच आ रही है. तो सबसे पहले हम उनको बुलाएंगे जिनको देख के ना दिल के डॉक्टर की धड़कन भी बढ़ जाती है. दिल के डॉक्टर की धड़कन बढ़ती है अभी. माधुरी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू कपिल. आज जब मैं सुबह घर से आने लगा ना जी, तो मेरी मम्मी कहती आज कौन आ रहा है. मैं कहा माधुरी दीक्षित. कहती हैं? मेरी मम्मी का हैं बड़ा कम निकलता है. तो आज तो फिर मम्मी ने अपनी सबसे जो खास वाली फ्रेंड उसको फोन किया कि माधुरी दीक्षित के शूट पे मैं भीड़ नहीं लेके जाऊंगी. मम्मी आज स्पेशली तैयार होके आई है. देखिए आपके लिए क्या बात है, बहुत अच्छी लग रही हैं आप. एकदम पिंक पिंक, वेरी नाइस. और आप इतनी प्यारी लग रही हैं, हर बार आप हमें सरप्राइज ही करती रहती हैं. हर बार और सुंदर परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा है. और माधुरी मैम ऐसी इकलौती एक्ट्रेस है जिनका क्रेज हमेशा यहाँ पे रहा है. जब इनकी पहली मूवी आई था, जब आपको पता है बहुत बड़ी हिट हो गई थी, एक दो तीन चार जब गाना आया, लोगों को इंतजार रहता था कि अगली फिल्म कब आएगी. मेरे को पता है मैम, कॉलेज में लड़कों की पर्स में पैसे हो ना हो आपकी फोटो जरूर निकलती थी. पंकज उदास साहब, वो तो खुशी तब हुए जब उनको इनके लिए गाना गाने का मौका मिला. जिए तो जिए कैसे, उसके पहले भी उदास थे, उसके बाद भी उदास रहे. फिर जब आई हम आपके हैं कौन, वो डिजाइनर साड़ी जो उल्टा वाला पल्लू, वो कैसा आपने पॉपुलर कर दिया. उसके बाद आपको पता है लड़के कभी लड़की को फूल भी मारते थे, लड़कियां गुस्सा नहीं करती थी, उल्टा खुश होती थी. मेरे को माधुरी दीक्षित समझ रहा है. आपको पता ही नहीं आपके चक्कर में कितने लोगों के घर बस गए. पता ओहो, जोरदार तालियां माधुरी मैम के लिए. मैं ना आपके आने से पहले भी यही बोल रहा था, मैं कहा आम आदमी के बस की बात नहीं अपने दिल की धड़कन संभालना. यही वजह है शायद इन्होंने दिल के डॉक्टर से शादी करी है. मैम, जब डॉक्टर नेने ने आपका पहली बार हाथ पकड़ा, उन्होंने आई लव यू बोला था कि उन्होंने ये बोला कोई और डॉक्टर बुलाओ, मेरी धड़कन तेज हो रही है. मुझे लगता है कपिल जी को डॉक्टर नेने ज्यादा पसंद है मुझसे भी, बिकॉज हमेशा उनकी बात करते ही आप. माधुरी इज वेरी जेलस. ओह रियली? हां, मतलब फेवरेट है. यस आई एम. नाउ व्हाट टू डू. माधुरी मैम, आपको आपकी पहली OTT सीरीज द फेम गेम के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद. थैंक यू. माधुरी मैम, आई थिंक 38 सालों से फिल्में कर रही हैं, 10 साल से टीवी कर रही हैं, फिर आपके दिमाग में आया होगा ना कि आई एम नॉट डन येट, चलो कुछ करते हैं. तो ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? नहीं, जो इनके राइटर हैं, अच्छा जी, जो ये आइडिया लेके आए मेरे पास, उनसे एक बार पहले भी ऐसे बात चली थी किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए, और जब उनके पास ये आइडिया आया तो वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा ये आइडिया है, मुझे बहुत पसंद आया, द स्क्रिप्ट इज़ वेरी ब्यूटिफुल. क्योंकि इसमें द फेम गेम जैसे नाम है जी, तो फेम के लिए लोग क्या क्या करते हैं, और जो फेम का जो दूसरा रूप है, दूसरी साइड है फेम की, एक अच्छी साइड है, राइट, एक बुरी भी साइड है, तो वो कैसे अनरावल कर देता है इस अनामिका आनंद की लाइफ को, तो उसके बारे में है द फेम गेम. तो मुझे बहुत अच्छी लगी आइडिया, एंड आई सेड यस, आई वुड लव टू डू दिस. वाओ. पर आप जब भी आती हैं मैम, सीरियसली मेरे दिल का लाइटें वाइटें एक्स्ट्रा खर्च, मैंने इनको बोला भी था आज लाइटें कम कर दो. आज तो हमारे मंच पे इतनी लाइट होने वाली है. तो दोस्तों, अब वक्त है हमारे दूसरे मेहमानों को यहाँ पे बुलाने का. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर संजय कपूर साहब. संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू सो मच. वो नॉस्टैल्जिया होने लग गया जब आपकी राजा फिल्म आई थी, तो आपके गाने, ओहो मैम, आपको इतने सालों बाद भी अपने स्टेप याद रहते हैं. तो रात का खाया हुआ भूल जाता है, आपको इतने पुराने स्टेप याद रहते हैं. वाओ. सच बोलूं, मैं तो सीख के आया था, मुझे पता था डांस करना पड़ेगा मैम के साथ, तो इनको तो याद रहेगा, मुझे नहीं याद रहेगा, तो मैं 10-12 बार देख के आया. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है. 7 साल हो गए हमें सोनी टीवी पे आए हुए, इससे पहले ये कभी नहीं आए संजय सर. OTT पे इनके और भी सीरीज आई, कभी नहीं आए. आज माधुरी जी आई, फटाफट आ भी गए. हम क्या समझे सर, आपको कभी आपको इनवाइट करना हो
तो पहले माधुरी जी को इनवाइट करना पड़ेगा, ऐसा है? अभी मैंने सुना कि जब माधुरी जी यहाँ पे होती है तो लाइटों की जरूरत नहीं पड़ती है, तो जब ये यहाँ होती है तो इनका ग्लो मुझ पे भी आ जाता है, तो मैं भी अच्छा दिखता हूँ, तो वो सेफ हो जाता है मेरे लिए। सर आप दोनों ने राजा फिल्म जो बड़ी कमाल की हिट फिल्म हुई थी और आपकी जोड़ी बड़ी हिट हो गई, उसके बाद काफी सालों बाद आप आज काम कर रहे हैं, तो जब डायरेक्टर ने आपको अप्रोच किया और आपको बताया गया कि माधुरी दीक्षित जो हैं वो आपकी पत्नी का रोल कर रही हैं, आपने स्क्रिप्ट पूछी कि आपने पूछा बताओ पहुंचना कहाँ है? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से सोचो तो मैंने तो एड्रेस ही पूछा था, शूटिंग है कहाँ पे। बिफोर ही कंप्लीटेड द सेंटेंस मैं गाड़ी में बैठ गया था कि चलो। गुड सर, गिव इट अप। माधुरी मैम जी, ये काजू है, ये पिस्ता है, ये किशमिश, ये बादाम, आपके लिए ही है बस। वेरी इंप्रेस्ड। या थैंक यू, सिर्फ मेरे लिए। संजय सर आपके लिए भी केले रखे हैं। संजय सर पहले आपने गोन गेम की, अब आप फेम गेम कर रहे हो, ओटीटी पे आप एक्टिंग करने आए हो, गेम खेलने आए हो? एक्टिंग और गेम दोनों, गेम खेल रहा हूं इसलिए तो फेम गेम मिल गई। सर आप इतने सालों बाद आप और माधुरी मैम काम कर रहे हैं, क्या बदलाव नजर आया आपको? हमें तो कोई आता नहीं नजर बदलाव। एक्चुअली शी इज लुकिंग मोर ब्यूटीफुल नाउ, दैट्स द ओनली चेंज। माधुरी मैम कैसा लगता है जब दाएं बाएं आगे पीछे हर कोई फ्लर्टी कर रहा हो? आपको अंदर से क्या फील होता है? अब तो आदत पड़ गई, मतलब इतने सालों से आपको सुन रही हैं। याद आ जाते हैं। ओहो अच्छा, मैंने एक और चीज सुनी संजय सर, गोन गेम जो है, मैंने सुना आपने मोबाइल पे शूट किया था। फर्स्ट सीजन हमने मोबाइल पे किया था, घर पे सबने, ऑल द एक्टर्स, वी डिडंट मीट ईच अदर, द डायरेक्टर से नहीं मिला, इनफैक्ट मैं डायरेक्टर को एक साल के बाद मिला, बिकॉज वो कोविड का था एंड वी कुडंट मीट एनी ऑफ द एक्टर्स, सो बस फोन से शूट किया एंड इट वाज, इट रियली वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस। वाओ। तो दोस्तों अब वक्त हो गया है हमारे बाकी के मेहमानों को यहाँ पे बुलाने का, जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर मानव कॉल, लक्ष्मीर सरन एंड मुस्कान जाफरी। वेलकम सर। वेलकम। हाय लक्ष्मीर। वेलकम वेलकम। हाय हाय मुस्कान। आइए विराजमान हो जाइए प्लीज। हमने बहुत सारी सीरीज में देखा है, मूवीज में देखा है आपको, तो इतना काम कर चुके हैं। मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, आप दोनों अभी यंग हैं, नए आए हैं हमारे शो पे आने के लिए, कितने का लिफाफा दिया आपने अर्चना जी को? नहीं होता ये, नए लोगों से पैसे ले लेती हैं? टैलेंटेड लोगों से नहीं लेती, ये टैलेंटेड है। ओके मेबी, आई एग्री। आप दोनों यंगस्टर्स से मेरा सवाल है, अभी नए नए आए, जब फेम गेम की शूटिंग कर रहे थे तो आपने डायरेक्टर को बोला नहीं कि फेम तो हम अभी कपिल शर्मा शो में जाएंगे मिल ही जाएगा, तो हमसे गेम ही करवा लो आप? माफ कर दीजिए हमें। अरे हम चाहते हैं फेम गेम में आप क्या क्या किरदार निभा रहे हैं हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज सर। मैं इनकी बेटी हूँ शो में, सर और मैम की। मेरा नाम अमारा है शो में, और जी ये मेरा किरदार है। मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ जैसे मेरी माँ है, और मैंने जिंदगी भर उनको देखा है, और मैं भी चाहती हूँ कि किसी दिन मैं उस मुकाम तक पहुँचूँ, और मेरा किरदार ये है जी। आपका लक्ष्मीर? मैं बेटा हूँ इन दोनों का ही। अच्छा जी। और और सर जो मेरा किरदार है वो उसको जो फेम की जो दुनिया है उससे थोड़ी सी नफरत सी है, उसको पसंद नहीं आता इतना टेंशन। अच्छा। और ये सब, तो वो इस सब से दूर रहना चाहता है। अच्छा ऐसा कभी कभी होता भी है ना मानव सर, मैं मैम से भी अभी पूछ रहा था कि फेम जब मिलता है मजा तो बहुत आता है, लेकिन कभी कभी छोटे छोटे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि यार आप हर वो काम नहीं कर सकते, खड़े होके ठेले पे आप पानी पूरी नहीं खा सकते अगर आपका मन हो, ऐसी और कौन सी चीजें जो आपको लगता है कि यार मशहूर होने के बाद ये नहीं कर सकते? मुझे लगता है आप जब अपने आप घर जाते हैं, जैसे मैं इंदौर में हूँ, मैं अपनी माँ और अपने भाभी से मिलने जाता हूँ, भाई से मिलने जाता हूँ, तो वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और आपको उनके सारे बच्चों का टैलेंट देखना पड़ता है। तो वो सारी कविताएं सुननी पड़ती हैं, सारे डांस देखने पड़ते हैं, और आपको सबको बोलना पड़ता है वाह 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 बहुत बढ़िया। तो ये
थोड़ा सा कभी कभी भारी पड़ जाता है। बट मानव आई थिंक दैट मीन्स कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, क्योंकि हम सबको वो दिखाने की कोशिश करते हैं, हम नहीं देखते, तुम देखते हो। वाह भाई। नहीं, आपको तो इसलिए नहीं दिखाते ना कि इनको डांस क्या दिखाए, इनका अपना बड़ा खराब है। मानव सर को आपने बहुत सारे सीरीज में, फिल्मों में देखा होगा। बदला में ये क्रिमिनल को जेल जाने से बचाते हैं, नेल पॉलिश में इन पे मर्डर का इल्जाम है, थप्पड़ में ये अपनी फैमिली पे बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हैं, वजीर में ये बच्चन साहब की फैमिली को परेशान कर रहे हैं, नाम आपका मानव है, काम सारे अमानव वाले, अमानवीय रोल क्यों मिलते हैं सर? इतने प्यारे क्यूट दिखते हो आप। यहाँ पे भी मुझे तंग कर रहे हैं अभी, वो बाद में आपको पता चलेगा। यहाँ पे भी आप इनको तंग कर रहे हैं। आपको मजा आता है ये अमानवीय कृत्य करने को? वो एक तो पंजाबी आदमी, कृत्य कृत्य, अमानवीय कृत्य करने में आपको क्या मजा आता है? क्या है, मैं जीवन में मानव हूँ, थोड़ी देर में मानव मानव अच्छा आदमी, मेरे को हल्का दाना होने में अच्छा लगता है। अभिनय करते हो ना, वो करते हो जो आप नहीं हो, हाँ, तो वो करने में मजा आता है। इसलिए इंदौर में आप शरीफ रहे हैं काफी। बहुत शरीफ हूँ मैं, बहुत शरीफ। ये जो आपने पॉज लिया ना उसके बाद। मुझे सौभाग्य मिला है माधुरी मैम के साथ एक टीवी शो करने का, मैम उसमें जज थी तो हम लोग होस्ट करते थे, तो मेरे को कोई पता नहीं होता था कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, हमारा ध्यान इन पे रहता था। तो जब मैंने इनको पहली बार देखा ना, तो मेरे मन में पता नहीं कोई हेडफोन भी नहीं लगा था, अंदर से गाना बजने लगा, ला 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 ले ले। आप जब इनको मिले पहली बार, आपके मन में कौन सा गाना बजा था? कसम से यही हुआ था, और मैं इतना एम्बैरेस होता था जब पहली बार इनके साथ काम किया। तो पहले तो बहुत देर तक यकीन नहीं होता ना, आप ऐसे करते हो, ये भी अभी उठ जाओगे आप, मतलब ये सामने और पता नहीं क्या। मैं जितना समय इनके साथ गुजार रहा हूँ, मेरे दिमाग में ना उन्हीं के गाने आ रहे हैं, तो मैं गुनगुनाता रहता हूँ गाने, बहुत ही खराब बट गुनगुनाता रहता हूँ। मुझे लगता है कितना एम्बैरेसिंग है ये कि मैं इन्हीं के गाने इन्हीं के सामने गा रहा हूँ। वो आपकी प्रॉब्लम हो जाता है वो? हाँ, हो जाता है नॉर्मली। पहली बार मैं सीन कर रहा था तो दो बार मुझे कट बोलना पड़ा, कट कट कट। मुझे लगा मैं कुछ और हो रहा है, ये मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, मैं तो देख के मैं ऐसे रुक जाता था। मुझे अभिनय करना है, अभिनय करना है, बहुत मुश्किल है। एक और सर सीरियस सवाल है मेरा, थोड़ा शो से हटके। जब आप बैकस्टेज से आए, आप सोच के आए थे मैं इधर ही बैठूंगा? आपको कैसे पता? मैंने कहा गुरु सुनो, ये बैठे हैं इधर, ये बैठे हैं इधर, बीच की जगह है, क्या बात है? कोई बात नहीं। मुस्कान, आपकी मम्मी बनी है माधुरी दीक्षित जी, तो आप घर से तैयार होके जाती थी कि इनको बोलती थी आप तैयार करो, मेरी चोटी करो, आप मेरी माँ बनी? नहीं नहीं, तैयार तो मैं ही होके जाती थी, बस बात खत्म जी। क्या प्यारी है ना, क्या बहुत। अच्छा, एक और इत्तेफाक की बात है कि लक्ष्मीर जो है, इनकी भी मम्मी माधुरी दीक्षित बनी है। जब आपको पता चला कि माधुरी आपकी मम्मी बन रही है, आप ज्यादा खुश हुए थे कि आपके पिताजी? उन्होंने कहा ना कि मैंने जो तेरे लिए मां ढूंढी है उससे तो मैं सालों से मिलवा रहा हूँ, जो तूने मां ढूंढी मुझे भी मिलवा कभी। उन्होंने बोला नहीं कभी? सर वैसे मेरी माँ भी अच्छी खूबसूरत सी है। नहीं नहीं, अरे माँ सकती वो इसमें उसमें, मैं ये बोल रहा हूँ वो बहुत वो शो देखती है, रोज फॉलो करती है। देखिए, माँ जो होती ना वो दुनिया में सबसे खूबसूरत होती है, हर एक की माँ। ये तो पिताजी से पूछो आप। पर है उम्र में बड़ा छोटा सा है, बैक टू बैक तीन सीरीज आ गई इनकी अभी तक, एक फिल्म है और दूसरी सीरीज है। वाह, लगे रहो, शाबाश। पर सर कपिल शो में आ गए सर, अगली शो में। ये तो फिर ऑस्कर से बड़ी बात हो गई। इट्स द बिगेस्ट। अच्छा, फेम गेम में भी माधुरी मैम जो है एक सुपरस्टार का रोल कर रही है, वो जो सुपरस्टार का रोल कर रही हैं आप, वो कितनी बड़ी सुपरस्टार है? कितनी बड़ी मतलब माधुरी दीक्षित से बड़ी सुपरस्टार दिखाई उसमें? हाँ, मतलब बहुत बड़ी बात है। नहीं, इतनी नहीं हो सकती। तो ठीक ठीक लगा लो आप। अच्छा। आप तो रियल में इतनी बड़ी सुपरस्टार हैं, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ी कि आपने सोचा सुपरस्टार का रोल करना है, मैं तो हूं ही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब भी आप सेट पे जाते हैं तो यही सोच के जाते हैं कि हर सीन को बहुत अच्छा करना है, और इसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं, बहुत इंटेंस हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा काम करके मेहनत करके हम लोग करते हैं सेट पे। वैसे इनके साथ हर सीन में हम हंसते ही थे, क्योंकि जैसे ही सीन शुरू होता था इनकी हंसी शुरू हो जाती थी। क्यों कॉल साहब, ऐसा बहुत हंसते हैं सर? आप भी करेंगे ना काम, वैसे ऐसे गुदगुदी होती है अंदर, कैसे हंसी नहीं आएगी, इसको कैसे रोका जाए? तो इंटेंस सीन ऐसे चल रहा है,
मेरी मम्मी कहती थी तो मेरी भी और मेरी एक बार हंसी छूट गई तो मतलब गए गए काम से. आपकी हंसी क्या, आप तो पहली वाहिद ऐसी एक्ट्रेस हैं जिसकी खांसी भी इतनी पॉपुलर हो गई. सीरियसली पहली हम आपके हैं कौन में वो दो बार करती भीड़ इकट्ठी हो जाती थी. आजकल कोई खांस दे भीड़ भाग जाती है. आजकल तो माहौल खराब हो गया. मुझे याद है जब हम आपके हैं कौन लगी ना. अच्छा ये दौर आपको पता है दोबारा कभी नहीं आएगा. वो आजकल तो ये होता ना कि इस वीकेंड ओपनिंग लगी संडे मंडे तक मतलब ऑलमोस्ट बिजनेस जो करना होता है फिल्म कर चुकी होती है. आपकी फिल्म हमारे अमृतसर में एक साल बाद तक मतलब फिल्म लगी थी उसके बाद भी लगी थी तो मैंने पूरे एक साल बाद देखी. जब सब रिश्तेदार आते थे हम आपके हैं कौन देखी. अरे सबने देख ली थी. मैं कहा मम्मी हमें भी देखना. हम तीनों भाई बहन गए और उन्होंने पहली बार थिएटर पे नई चीज़ हुई थी. जैसे गाने शुरू होते थे ना उन्होंने वो मिर्ची लाइट्स नहीं होती जो मिर्ची लाइट आजकल बहुत चलती हैं तो वो इनके गानों में चलती थी. वाह मजा आ जाता था. मैम मुझे सपना लगता है पता कभी कभी. आई मीन नहीं मुझे भी सपना लगता है ऐसे क्योंकि आपको क्यों लगता है क्योंकि अब ऐसा नहीं होता है ना. वो माहौल नहीं है अब. पहले कैसे वो मैं हम लोग चुपके से जाके देखते थे मूवीज हमारे पूरे ऑडियंस के साथ. अच्छा। तो ऐसे हम लोग घुस गए थे थिएटर में देखने के लिए और जो लाइट्स ऑन होते थे इतनी मजा आता था. खुद की मूवी देखने गए थे आप? हाँ मैं खुद की मूवी देखने गई थी. मैं एक्चुअली एक दो तीन जो गाना था तो सबने बोला बहुत पॉपुलर हो गया है आपको पता नहीं थिएटर में इतना मजा आता है वगैरह. तो मैंने बोला मैं जाऊंगी देखूंगी. तो चंदन सिनेमा में मैं गई थी देखने के लिए. सिंगल थिएटर है सो आई वॉन्टेड टू सी इट देयर कि क्राउड गोज वाइल्ड वगैरह. तो हम लोग अंदर गए. मैं बुर्का पहन के गई थी अंदर गए और मैं बैठ गई. अच्छा. और कभी कभी वहाँ पे वो बिजली मतलब वो एसी वगैरह ऑफ कर देते थे मुझे लगता है. तो पूरा बुरके में मतलब मुझे ऐसे पसीने आने लग गए थे. और मैं एक दो तीन गाने के लिए मैं वेट कर रही हूँ. एक दो तीन शुरू हुआ जैसे ही तो हम लोग ने आगे बैठे थे हम लोग और पीछे से जो कॉइन्स आना शुरू हो गए ना पैसे जो उछालते थे पूरे हमारे सर पे गिर ऐसे ऐसे बज रहे थे एकदम. तो हम लोग फिर भाग गए वहाँ से. और मुझे ऐसा लगा था मैं बिल्कुल खुफिया किसी को पता भी नहीं है कि कौन आया देखने के लिए. जैसे हम लोग भागे थिएटर के बाहर और वो लॉबी में निकले ऐसे ही माधुरी दीक्षित है. जैसे हमें बड़ा हमें बड़ी खुशी होती है जब आप आती कि आज माधुरी दीक्षित आ रही. जैसे मेरी मम्मी के बारे में बताया. आप जब उठती हैं सुबह और आईना देखती हैं और आपको लगता है माधुरी दीक्षित तो मैं ही हूँ तो आपको कितना मजा आता होगा ना. एक किस्सा इन्होंने मुझे बताया था जी कि यू नो अभी तो सेल्फी लेते हैं पहले ऑटोग्राफ लेते हैं. तो इतनी आदत हो गई थी इनको ऑटोग्राफ देने के लिए. तो एक बार होटल में थी तो वो बिल लेके आया तो उन्होंने लिखा लव माधुरी दीक्षित. ऐसा हुआ था मेरे साथ. मैं बताती हूँ. मेरे ड्राइवर जो थे वो कुछ मंगाना था मुझे. तो बोले मुझे आता नहीं स्पेलिंग आप मुझे लिख के देना. मैंने बोला हाँ एक पेपर और पेन लेकर आओ. ऐसे मैं कुछ कर रही थी तो उसने आके दिया. तो मैंने देखा पेपर पेन लव माधुरी दीक्षित का दे दिया. मैडम मैडम क्या हुआ ये तो आपने अपना नाम लिख दिया है. तो ऐसे फनीस्ट स्टोरी ऑफ ऑल यार दिस इज टू पेपर और पेन देखो तो ऑटोग्राफ ही आता है. और कुछ सुनाओ ऐसा ही कुछ. आप बोल रहे थे ना जो नहीं आप पूछ रहे थे कि क्या मतलब फेम होने के दूसरे भी कभी होते हैं. तो मेरे घर में एक बार एक जो स्विच बोर्ड होता है ना वो खराब हो गया था. अच्छा जी. तो रिपेयर करने के लिए आए लोग. अच्छा जी. अनफॉर्चुनेटली मैं घर पे थी तभी. तो जब वो आए रिपेयर करने के लिए एक छोटा सा वो था. चार लोग आए रिपेयर करने के लिए उसको. अच्छा. हाँ चार लोग आए ऐसे. उनके साथ एक पांचवा भी पीछे से चल रहा था. आए कौन सा करना है स्विच बोर्ड. मैंने बोला ये वाला. तो पहले तो खोलो. तो एक आदमी उसको खोल रहा है. अच्छा। बाजू में खड़ा हो गया. देखो तीसरा आदमी देख रहा था. उसको बोलता है ठीक करो. तो ठीक कर रहा है. ऐसा हुआ. फिर ठीक भी किया. तो हमने बोला अभी जाओ आप सब ठीक हो गया. ऐसे करते हुए निकल गए. एक आदमी रह गया पीछे. एक आदमी अच्छा। रह गया. मैंने बोला क्या हुआ आप नहीं जा रहे इनके साथ. आप बोले कहाँ हम इनके साथ नहीं हम तो आपको देखने आए. मुस्कान लव यू. लक्ष्मीर लव यू. संजय जी लव यू. मानव जी लव यू.
माधुरी जी जगो कॉन्फिडेंस ला अपने अंदर। माधुरी जी की स्माइल पे पिघलना मत जगो। लाइट कैमरा एक्शन। लव यू माधुरी जी, लव यू। आज बोला नहीं आपने किसी को मेरा बच्चा है तू? नहीं, आज कोई बच्चा बिच्चा नहीं है बड़ो। आज माधुरी जी आई है, कोई मेरा बच्चा नहीं है। अच्छा कपिल, मैंने तो टाइगर को भी बोल दिया। क्या मतलब? अगर माधुरी जी पूछेंगी ना कौन है, बोल देना जग्गू का छोटा भाई हूँ मैं। हर जस्ट स्टनिंग माधुरी दीक्षित जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए बड़े लोग। बड़ू ये मानव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे ये मानव है, वो मानव है तो हम लोग क्या दानव है? हम लोग भी मानव है बड़ू, हम लोग सब मानव है। हाँ बड़ू, हम सब लोगों की शुरुआत ऐसे हुई। ऐसा मानव बने। कर बड़ू जबड़ा दर्द करने लगा। खैर माँ, आपके बारे में गूगल किया बड़ू मैं। आप एक्टर हैं, आप लिखते भी हैं बड़ू, स्विमिंग भी करते हैं। तो स्विमिंग करते तो ये किताबें गीली नहीं हो जाती? अरे क्या साला, वाह जोरदार तालियां। अरे वो लिखते क्या बात कर रहे हैं आप दादा? वो अलग टाइम लिखते हैं, अलग टाइम है स्विमिंग करते हैं, थोड़ी होता है। मैं आप लोगों को एक किस्सा बताना चाहता हूँ। मैं माधुरी जी, मैं एक दिन जंगल में गया, टाइगर सामने आ गया। जैसे टाइगर सामने आया मैं तालाब में कूद गया। फिर टाइगर मेरे को बोला, पापा अकेले अकेले नहाओगे क्या? ओ फिर टाइगर भी तालाब में कूद पड़ा। जैसे वो कूदा मैं तालाब से बाहर आ गया बड़ू। क्यों? असली टाइगर सामने आ गया ना। फिर अभी मेरा वाला टाइगर तालाब में, असली टाइगर सामने, जग्गू इधर। मैं उसको बोल रहा बड़ू मेरा बच्चा है तो, बड़ू मेरा बच्चा है तो। लेकिन वो तो पिक्चर विक्चर देखा नहीं था। बड़ो उसने जो मेरे को दौड़ाया है। माधुरी जी, उस दिन मैंने सीखा कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम में भी आदमी तेज दौड़ सकता है। दादा अब उनकी सीरीज आ रही, उसकी कोई बात करो आप। क्या? हाँ क्यों नहीं लक्ष्मीर। मैं एक दिन जंगल में गया, सामने टाइगर आ गया। सेम कहानी अभी सुनाई आपने? नहीं बेटो, ये दूसरे दिन की कहानी है। पहले दिन मेरा बेटा आया था ना, दूसरे दिन असली टाइगर सामने आ गया। अच्छा। जैसे असली टाइगर सामने आया मैं तालाब में कूद गया। हाँ। और फिर टाइगर मेरे को बोला, पापा आप फिर आ गए। अभी आपने कहा कि असली टाइगर आया। अरे असली वाला तो सामने था ना, मेरा वाला टाइगर तो कल से तालाब में नहा रहा था। क्या यार, फिर हम दोनों साथ में भागे। दादा ये क्या बातें सुनने लग गए आप, गेस्ट से बात करो। अरे गेस्ट किधर, अपने फैमिली मेंबर है बड़ो। संजय जी क्या बात, एक बार जोरदार ताली बड़ो लोग। मैं और अनिल जी बहुत काम किया बड़ो। मैं तो पूरी फैमिली को जानता हूँ बहुत अच्छे से। कपूर फैमिली में सबसे बड़े भाई यही थे। अरे सबसे छोटे हैं। ये बात अनिल जी को समझाओ ना जाके। क्या यार करने के आए हो आप इधर? मैं एक्चुअली माधुरी जी, मैं आप लोग को इनवाइट करने के लिए आया हूँ। बर्थडे पार्टी है मेरा फार्म हाउस पे। किसका बर्थडे? वो एक साल पहले मैंने एक झाड़ लगाया था। वो अभी एक साल का हो गया है। वो झाड़ का बर्थडे पार्टी है। दादा झाड़ का बर्थडे कौन मनाता है? अच्छा गर्लफ्रेंड का बर्थडे झाड़ के नीचे मना सकते? झाड़ का बर्थडे नहीं मना सकते। ये क्या बात हुई बड़ो,
खैर संजय जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। एक बात बताऊँ आपको, मैं एक दिन जंगल गया, सामने टाइगर आ गया। आप पता है मेरे को, आपको सबको पता है, आप जंगल गए, सामने शेर आ गया, पानी में कूदे, आप भागे, आपने सीखा कि नहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं, ये नहीं सीखा, मैंने सीखा है कि ये स्टोरी तीसरी बारी में वर्क नहीं करती है। ये दो बारी में वर्क करती है। और मैं दुआ करता हूँ कि जो फेम गेम है ये सबसे ज्यादा वर्क करे OTT पे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। लव यू गाइस। आप सब सोशल मीडिया से बाखूबी वाकिफ हैं। आपको पता मैम, लोग ना बड़े फनी हो गए हमारे हिंदुस्तान के, बड़े मजेदार कमेंट्स लिखते हैं। आपके पास टाइम नहीं होता, हम सब ने आपकी पिक्चर्स निकाल के रखी हैं और लोगों के कमेंट्स हैं उस पर, बड़े मजेदार दिखाई जरा। ये माधुरी मैम ने फोटो डाला, द श्रीलंकन कुकिंग क्लास वी टुक लास्ट ईयर हैज डेफिनेटली कम इन हैंडी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। व्हिच कुजीन डू यू गाइस एंजॉय द मोस्ट? ओके, आइए कमेंट्स पढ़ते हैं। I enjoy with my cousin Ramesh the most. अबे कजन की नहीं, वो कुजीन, यानी खाने की बात कर रही है, तो सीधे सीधे फूड नहीं लिख सकते। अरे बहुत क्यूट। और दिखाइए। अबे कजन की नहीं, कजन की नहीं, कुजीन लिया। मैम आपके हाथ से तो हम कुछ भी खा लेंगे। हाँ, हाँ। किसी ने रिप्लाई किया है, मार खाएगा क्या? बहुत अच्छा था। सभी सेलेब्स ऐसा ही करते हैं, ये लास्ट में धनिए के पत्ते डाल के बोलते हैं ये हो गई हमारी डिश तैयार। और दिखाइए। धनिए के पत्ते डाल के, ये शेफ नौकरी पे लगे होंगे तब भी इतना खुश नहीं हुए होंगे जितना आज माधुरी जी के साथ हैं। ये तो है, लग रहा है। खाना इनको सैलेड है, दो शेफ तो ऐसे लगा रखे जैसे 50 रोटियां बनेगी। और दिखाइए। संजय कपूर साहब ने फोटो डाली है, 2017 #2। ये क्या मतलब हुआ सर, #2017? 2017 में भी ऐसे ही था और 2019 करवा चौथ तो एवरी ईयर होता ना। अच्छा हाँ। ओके, दिखाइए जरा कमेंट्स। थैंक गॉड मेरा तो कुछ नहीं। सर जी, आप भी वाइफ के साथ इच्छा से व्रत रखते हैं या आपको धमकी मिलती है? भाई आपका चांद तो पीछे, आप किसके चांद को देख रहे हो? डिटेलिंग वाला सवाल किया बंदे ने। संजय सर, आप भी साथ में व्रत रखते हो? नो। छन्नी तो आपने ऐसे पकड़ी जैसे सारे व्रत आप ही ने रखे हैं। नहीं नहीं, अभी मून देख के आए हैं। अच्छा, तो देख लिया था जब तक। ओके। अभी बीवी को खिला दिया था पहले। ओके, तभी बीवी भी खुश लग रही है। और दिखाइए। मानव कॉल लेजी ट्रेवलिंग, लंदन, लंदन अंडरग्राउंड, लंदन डायरीज। ओके, दिखाइए जरा कमेंट्स। मानव बी लाइक, फिल्मों में तो ऐसी ट्रेन में गोरी गोरी लड़कियां दिखाते हैं, यहां तो एक भी नहीं है। सर जी ऐसे ही होता है, गरीब आदमी महंगी जगह पहुंच जाए कुर्सी पे बैठने का कॉन्फिडेंस नहीं होता। कैसे पता इसको राज? मैंने कहा था ना खाना साथ लेके जाना, यहाँ ट्रेन में कोई चने बेचने नहीं आता। ये सोच रहे हैं कोई देख नहीं रहा तो पोल डांस शुरू करो। ओह, और दिखाइए। धक धक धक्का दिया, समर इन इटली। ओ पिसा, लीनिंग टावर, लीनिंग टावर पिसा। दिखाइए कमेंट्स। दिस विल बी वेरी फनी। मैडम आपने मीनार तो सीधी कर दी, आप मेरे पति को भी सीधा कर सकती हैं। आपने फोटो के चक्कर में एक अजूबा कम कर दिया। लेडीज का ऐसा ही है, फोटो के लिए मीनार को धक्का दे रही हैं। गाड़ी बंद हो जाए तो दूसरों को ढूंढती है धक्का देने के लिए।
वेरी नाइस। लगता है ये जूते इन्होंने होली में पहने थे, रंग अभी तक गया नहीं। और दिखाइए। संजय कपूर साहब ने फोटो डाली है विद द लेजेंड कपिल देव, आई कांट स्टॉप ग्रीनिंग। ओके कमेंट्स देखते हैं। कपिल देव कोरोना काल में कपूर सूंघते हुए। कपिल देव के साथ फ्री एंट्री लेके दोनों भाई खुश है। और दिखाइए। ओह नाइस। फेरन की ठंड शुरू हो गई है, कांगड़ी की ठंड। ये कौन सी लैंग्वेज है पानम सर? अरे कश्मीर है ना फेरन, ये जो फेरन पहना है कश्मीरी फेरन है, और कांगड़ी होती है जिससे आग तापते हैं। छोटी सी कांगड़ी होती है ना, चलिए देखते हैं कमेंट्स। अरे अल्लाह, इसमें बर्बाद कर देंगे, बर्बाद। मानव कॉल प्लीज प्लीज, ये ना पढ़े, इसे ना पढ़े। नहीं जी, नहीं बिल्कुल नहीं। दूसरा पढ़ता हूँ। मानव मुस्कुरा रहे हैं, लगता है घास से गुदगुदी हो रही है। ओह, मानव सोचते हुए पालक तो मैं यहां से तोड़ लूंगा, पनीर कहां से लाऊंगा। नहीं और ओके। माधुरी दीक्षित जी ने फोटो डाला है, जैमिंग टुगेदर, वन ऑफ माय फेवरेट वेज टू अनवाइंड। अच्छा डॉक्टर साहब बजाते हैं गिटार? जी जी। वाओ, दिखाइए जरा कमेंट्स। डॉक्टर साहब गिटार की नब्ज ढूंढते हुए। माधुरी सोच रही है ये डॉक्टर ही अच्छे हैं। अरे नहीं, उनको बजाना आता भाई। इनका अच्छा है संडे को गिटार बजा रहे हैं, हमारे तो संडे को बीवी झाड़ू पकड़ा देती है जाले निकालने के लिए। और आगे दिखाइए। मानव कॉल फ्रांस ट्रैवल ट्रैवलर। ओके दिखाइए जरा कमेंट्स। अरे अल्लाह, अभी मानव डर रहा है, अभी क्या आने वाला है, घूमने नहीं जाएंगे। अगर आपके पास खुद की साइकिल है तो हमसे फूड डिलीवरी जॉब के लिए संपर्क करें। लगता है इनकी जीन्स टाइट है इसलिए लेडीज साइकिल चला रहे हैं। पकड़ लिया। हमारे बुलंद शहर में भी ऐसी ही नहर है, क्या हम भी वहां फोटो खिंचा के उसे फ्रांस बोल सकते हैं? सर जी, ये फोटो खींचने के लिए बंदा साथ लेके जाते हो या वहीं से किसी को पकड़ते हो? साथ लेके जाते हैं। कोई तो चाहिए ना। और दिखाइए। वहीं से पकड़ते हैं। खत्म। थैंक गॉड खत्म हो गया। मानव साहब के बारे में हमने सुना है कि इनको जलेबी और कचौरी इतनी पसंद है, उस चक्कर में ये नेशनल लेवल के स्विमर बन गए। सर मेरे को स्विमिंग और जलेबी कचौरी का कोई मतलब नहीं समझ में आया। आपके कोच हलवाई थे या आपके हलवाई आपके कोच थे? नहीं, मैं होशंगाबाद में पला बड़ा हूँ। अच्छा जी। वहाँ नर्मदा नदी है तो वहाँ कोई भी त्यौहार होता तो लोग पैसे फेंकते थे। हाँ, नदी में लोग। तो हम चार पांच दोस्त थे जो गोता लगा के पैसे ढूंढते थे पूरा नीचे। तो मेरी सांस बहुत लंबी थी तो मैं हमको क्या, अगर नीचे जाना पड़ता था मुंह में हम पैसे रखते जाते थे, तो जब निकलते थे तो मुंह ऐसा भरा होता था पैसों से। अच्छा। तो फिर निकालते थे तो कचौड़ी और जलेबी के पैसे निकल आते थे। वाह। तो उसी समय एक कोच ने देख लिया कि मैं अंदर गया। अच्छा। और निकला ही नहीं बहुत देर तक, तो उसने कहा इसकी सांस तो बहुत लंबी, इसको तैराओ। तो मेरे को स्टेट कॉम्पिटिशन भोपाल ले गए। अच्छा। मैंने लाइफ में पहली बार स्विमिंग पूल देखा। अच्छा जी। और मैं ऐसा हो गया कि ये इसका रंग कैसा है, ऐसा कैसे रंग है। और मैं लेकिन चूंकि मैं गोरा था और मतलब कश्मीरी था और गाँव में था, तो मैंने कहा मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहनूंगा। अच्छा। वो बहुत एम्बैरेसिंग है, मैं चट्टी पहन के स्विमिंग करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं कूद गया, फ्री स्टाइल की सेकंड आया, सब लोग हंस रहे थे बाहर पूरे। मैंने कहा ये लोग हंस क्यों रहे हैं? मैं कहता भाई
तू कूदा ना तो चड्डी निकल रही थी और पूल में सब दिखता है और मैं एक हाथ से ऐसे करके फिर भी आप प्राइज ले आए, सेकंड आ गया। वाह। सोचो अभी तो चड्डी ढीली थी फिर भी सेकंड आ गए। है ना, पूरी फिटिंग की होती तो आप पता नहीं फर्स्ट से भी ऊपर आ जाते। हमारी जो मुस्कान है ये बहुत अच्छी डबिंग, ये नहीं कि जिस फिल्म में काम कर रही हैं या सीरीज में काम कर रही हैं उसी में अपनी आवाज़ देती हैं। oh. अपनी आवाज़ अलग अलग करेक्टर्स को भी देती हैं। Wonderful. बहुत अच्छी मिमिक्री भी कर लेती हैं और oh, बहुत wow. अच्छा गाती भी हैं। मानवी संजय जी, लक्ष्मीर जी, मुस्कान जी और माधुरी दीक्षित जी, इश। oh, ये क्या किया है, रंगमंग कहाँ से लगा? आपको लग रहा होली का वो हुआ क्या? माधुरी जी मैं आपको बताता हूँ, मैं केस लड़ रहा था, अब केस में अपने क्लाइंट के लिए हार गया, उसको आया गुस्सा, उसने कहा कि तुम्हारा मुंह काला करके गधे पे बैठा के पूरे शहर में घुमाऊंगा। मैंने कहा कि यार गधे पे बैठाओ, पूरा शहर घुमाओ लेकिन मुंह काला मत करो, मैं माधुरी दीक्षित का फैन हूं, अगर मुझ पे डालना है तो हरा रंग डालो। शर्म नहीं आई आपको गधे पे बैठते हुए? मुझे क्यों आएगी, मैं गधे पे बैठा, शर्म तो तब आती जब गधा मुझ पे बैठता। मैं आपको बताऊं माधुरी जी, मैं आपका इतना बड़ा फैन हूं, मेरी मम्मी कभी मुझसे कहती है ना कि बेटे कितने पराठे खाओगे, मैं कहता हूं दो लारे दो लारे दो लारे। और इस तरह मेरी माँ 16 पराठे लाके मेरे सामने रख देती है। 16 क्यों? दो लारे 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 16। माधुरी जी सॉरी, आप हमेशा सुपरस्टार्स के साथ काम करती हैं, हमारी माफी चाहते हैं, आज हमने आपके सामने अजीब सा आदमी बिठा दिया। एकदम सामने कहाँ बैठी, अर्चना जी काफी साइड में बैठी हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। ओके ओके रिलैक्स। अखिल साहब बड़ी अजीब अजीब बातें करते हो आप। हाँ? आप रोज सुबह उठ के ना 5-6 भीगे हुए वो खाया करो। अच्छा बादाम चप्पले। ये चप्पले मुझे खुद खानी है, कोई कोई खिलाने आएगा? नहीं नहीं, जैसी आपकी बात है कोई ना कोई खिला के जाएगा आपको। जी आपकी एक फिल्म आई थी सिर्फ तुम, मैंने फिल्म देखी, उसमें तो काफी लोग थे। सच में बहुत सारे लोग थे, कायदे से फिल्म का नाम होना चाहिए बहुत सारे सिर्फ तुम। वकील साहब आप ना सुबह उठ के रोज 5-6 उबले वो खाया करो। अच्छा चप्पले हथौड़े। करने क्या आए आप इधर? मैं माधुरी जी का नंबर लेने आया हूँ, फोन नंबर। बाप रे, डॉक्टर साहब का नंबर चाहिए, वो इलाज कर देंगे आपका, चाहिए आपको? नहीं नहीं। नहीं नहीं, इट्स ओके। यार मानव जी आप इतने बेहतरीन एक्टर तो हैं ही, साथ ही में आप लिखते भी हैं। That's very good यार, एक यार छोटा सा काम था, ये मेरे बेटे का होमवर्क है, लिख देंगे थोड़ा सा? अरे वो इतने अच्छे राइटर हैं, वो क्यों ये सब करेंगे? मैं अच्छे राइटर है तो किसी खराब राइटर को बुला लो, पर मेरे बेटे का होमवर्क करवा दो यार, ये मुझसे नहीं होता है। वकील साहब आपको एक बात बताऊं? हाँ। इसमें स्ट्रॉ डाल के पिया करो, ये गर्मियों में ठंडा होता है। करने क्या है आप इधर? इंसान क्यों आता है भाई, जब बाप काम से एक दिन घर जल्दी आता है, माँ को फिल्म दिखाता है, माँ का दिल खुश हो जाता है, ऊपर वाला पानी बरसाता है, माहौल रोमांटिक हो जाता है, तब इंसान आता है। कहाँ से आया? कहाँ से आया? यहाँ किस काम से आए आप? मैं किस काम से आया हूँ? नहीं सवाल अच्छा है, मैं किस काम से आया हूँ? माधुरी जी मैंने देखा था साजन फिल्म में आपको शेरो शायरी का बड़ा शौक था, मैं वैसे अपने दिल से एक शेर आपके लिए अर्ज करना चाहता हूँ माधुरी जी। इरशाद अर्ज किया है, मोहब्बत करते हो डराते हो? मैं डरा नहीं रहा हूँ, पैशन 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 है ना, मोहब्बत करते हो तो हक भी जताओ, डॉक्टर से तो सब इलाज करवा लेते हैं, हिम्मत है तो वकील से इलाज करवाओ।
माधुरी जी, हाय, आई एम योर बिगेस्ट फैन. थैंक यू. मैं भी आपके तरह करोड़ों दिल का धड़कन बनना चाहती हूँ. नहीं, ऐसे नहीं होता है. ऐसे नहीं होता है. डायरेक्टली करोड़ों दिल की धड़कन नहीं बन सकते. इट्स अ प्रोसेस. इट्स अ प्रोसेस. पहले एक दिल की धड़कन बनो, फिर अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर. मेरी बात सुनो, तुम लोग हमेशा झुंड में क्यों आते हो दोनों? पहले तो एक ही झंडू लाल आ जाता है, उसके पीछे पीछे तुम भी आ जाती हो. सुंदर सी हट. मैं माधुरी मैम के लिए आई हूँ. मैम, आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम यू. मैं आपसे बहुत सीखा. नहीं, क्या सीखा? दिखाओ उधर डांस वांस कुछ. बताओ मुझे क्या सीखा. ऐसे नहीं मानेंगे आप. क्या बकवास बातें कर रहे हैं? मजाक चल रहा है क्या? नहीं देखो, यहाँ से तो काफी सालों से मजाक चल रहा है. वो अलग बात है कि सारे मजाक के बीच में पिछले 8 महीने से तुम सिर्फ रैम वॉक कर रही हो. अब मजाक ना तुम्हारे साथ होगा. वैसे तुम अपने सोनी साहब है ना, उन्होंने कमाल का जोक तुम्हारे लिए लिखा है. क्या लिखा है? नहीं, वो चेक आएगा उस पे लिखा होगा, देखना. आपसे बात करने ही बेकार है. लव यू. मानव जी, मैं आपका भी फैन हूँ. आप नेशनल लेवल का स्विमर हो ना? जी, मुझे स्विमर्स बहुत पसंद है. एक मिनट, तो मेरी भी फैन बनो. मैं भी नेशनल लेवल का डूबर हूँ. आप कितने भी पानी में तैर लेते हैं ना, मैं कितने भी पानी में डूब जाता हूँ. मैं मजाक नहीं कर रहा, दिन में 3 से 4 लोग कम से कम मुझसे कहते हैं चुल्लू पर पानी में डूब मरो. और मैं डूबता भी हूँ. Maybe they just like my wet look. I don't know. Maybe. Just ignore him. Ah, so you just bore him. I will ignore you both. संजय जी, मैं आपके लिए एक शायरी लिखा है. मैंने नहीं सुनाएंगे आपको ये जरूर. ये जो इनकी जो अम्मा है ना, मिर्जा गालिब की गाड़ियां घोया करती. कमाल का शेरो शायरी करती हैं ये. सुनाइए. एक शायर. जब से तुमको देखा रात को नींद नहीं आती. शाम को 4 बजे जागती है ये लड़की. शाम को 4 बजे जागोगी, नींद कैसे आएगी रात को? नहीं नहीं, ठीक है. सुनाओ आगे. जब से तुमको देखा रात को नींद नहीं आती. जब से तुमको देखा रात को नींद नहीं आती. मुझे नींद आ गई है. एक ही लाइन को 5 बार सुनाएगी तो नींद नहीं आएगी क्या? यार आगे बोलो ना, यार आगे बोलो, सुनाओ आगे. आगे तुम्हारी ऐसे की तैसी मलाड के पेंगुइन. अपने सारे बातें करके मुझे बात ही करने नहीं देती. तुमको छोड़ूंगी नहीं. एक मिनट. छोड़ने का सवाल तब पैदा होगा जब तुम मुझे पकड़ोगी. पकड़ के दिखाओ. ये देखिए सारी लड़कियां मेरे पीछे पड़ी लगी है. मैं क्या करूं? संजय सर, मेरे को एक बात बताइए. जैसे माधुरी मैम के बारे में हमेशा कहा जाता है, कोई भी इनके साथ डांस करता है जब वो नर्वस हो जाता है. जैसे आपने भी आते कहा कि मैं तो याद कर रहा था स्टेप. तो जब आपको पहली बार आपको पता चला आपको माधुरी दीक्षित के साथ डांस करना है, तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ. जब हम अखिया मेला कर रहे थे, नॉर्मली दोस डेज देयर यूज्ड टू बी 200 जूनियर आर्टिस्ट बिहाइंड, तो आंखें हर जगह जाती है. यहाँ मैं अकेले डांस कर रहा था इनके साथ, तो इट वॉज वेरी टफ.
तो मैंने सरोज जी को कहा ये तो भाई प्रॉब्लम वाली बात है. तो आई सेड के 6:30 to 7:30 जो आप आज शूट करने वाले हो वो मैं सुबह सत्यम हॉल आऊंगा और रिहर्स करूंगा. अच्छा. देन आई विल गो होम हैव अ शावर एंड गो ऑन सेट. तो पहले दिन आए तो इनको नहीं पता था कि मैं सुबह जाके रिहर्स कर रहा हूँ. अच्छा. तो सरोज जी ने स्टेप बताया अहमद थे तो अखिया मिला दिया. इनके पहले मैंने कर लिया स्टेप. अच्छा. सोच रही ये लड़का इनको क्या पता कि मैं सुबह करके आया हूँ. मुझे ऐसे लग रहा था अरे इसको ऐसे दिखाते ही फटाफट कर देते हैं. मतलब कमाल है, बहुत अच्छा टैलेंट है ये. अच्छा आज मुझे पता चल रहा है क्या हुआ, मुझे अब तक पता नहीं था. तीसरे दिन जब मैं कर रहा था तो सरोज जी ने बोला वो कुछ कभी होता है कि कुछ एंगल का प्रॉब्लम होता है. बोला कि वो आज वो नहीं करेंगे, कल वाला स्टेप आज करते तो मैं ब्लैंक हो गया. ये मत करो भाई, अपने को इतना ही आता है. अच्छा माधुरी मैम आपके सामने तो सारे नर्वस हो जाते हैं, आप कभी किसी के सामने नर्वस हुई हैं आप? हाँ, मैंने जब प्रभु देवा के साथ गाना गया था केसरा सरा, क्योंकि उनकी स्टाइल इतनी डिफरेंट है एंड ही इज सच अ गुड डांसर हिमसेल्फ. और जब बोनी जी ने मुझे बोला कि ये गाना है और प्रभु देवा इज गोइंग टू डू द कोरियोग्राफी, बोला ठीक है कोरियोग्राफी ओके, आपके साथ डांस करने वाले हैं. तो मैं मेरे पैर हिल गए. मैंने बोला अरे बाप रे वो मेरे साथ डांस करेंगे ना. तो मैंने बोला बाप रे उनकी स्टाइल बहुत ही मतलब वो सब है. तो मैंने बोला आई डोंट नो आई एम स्केर्ड. बोले नहीं नहीं. फिर मेरी मुलाकात हुई उनसे तो प्रभु देवा जी बोले अरे डोंट वरी मैडम, बहुत सॉफ्ट, बहुत ऐसे धीरे से बात करते ना वो. एक साल में एक आध बारी बोलते हैं. नो प्रॉब्लम मैडम. एक साल में एक आध बारी बोलते हैं. वन शॉट स्मॉल स्मॉल शॉट एवरीथिंग स्मॉल स्मॉल. मैंने बोला ठीक है स्मॉल स्मॉल लेंगे शॉट्स. तो थोड़ा सा मैंने रिहर्सल किया पहले उनकी स्टाइल सीखने के लिए कि कैसे होता है. तो जिस दिन शूटिंग शुरू हुई आए बोले ओके मैडम आई विल शो यू व्हाट यू हैव टू डू. के सरा 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 जो भी हो सो हमें प्यार. सर 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 छोटा छोटा सा मैडम वन शॉट वन शॉट वन ही शॉट है ये पूरा एक शॉट में करना है. मैंने बोला अच्छा ओके आई विल ट्राई. बोले हाँ एंड इन द एंड ना वो ऐसे ऐसे विंक दे देना मुझे साथ में. अच्छा. मतलब सब करना है उसके साथ विंक भी करना है. एक्चुअली सही बोल रही हूँ. उनका स्टाइल मतलब पता नहीं बात करते करते खारिश कपल भी स्टेप बना देते वो. उर्वशी उर्वशी. और बड़ा मजा आया था मैम आपका वो गाना देख के. चंद्रमुखी चंद्रमुखी देखो देव बाबू आए हैं. ओह माय गॉड. ओए होए जॉन्डिस वाला शाहरुख खान. दर्शकों आज एपिसोड हम बाद में समाप्त करेंगे, पहले एक बंदे को समाप्त करना है. आपके पास कोई चाकू छुरी पिस्तौल वगैरह हो ओए तू जा, हमसे नहीं हो रहा बर्दाश्त. मुझे उसका नंबर दे जिसने तुझे धोती और कुर्ता दिया है. उसका नंबर दे मेरे को. वो भी एक बंदा कोट पैंट पहनकर उधर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आई एम नॉट डन येट कर सकता है. हाँ मैं तो धोती पहन के एंट्री नहीं कर सकते. वैसे भी ये खोते मेरी माँ है. अबे धरती मेरी माँ है ये डायलॉग है. मैं डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ जब ये गंदी हो जाती धोती मेरी माँ है. खैर जब अब रिवील हो ही गया है कि मैं शाहरुख नहीं हूँ. अच्छा तेरे को मतलब जैसे वो तो सब उठने ही लगे थे ऑटोग्राफ लेने कि शाहरुख खान आ गया. तो मैं गेस्ट से बात कर लूँ कपूर शर्मा. हाँ प्लीज. ऐसे माधुरी जी आप सच बताइए जी, मुझ में और शाहरुख सर में 19-20 का फर्क था ना. ये कैसे कंपैरिजन करता है रचना जी. शाहरुख खान का जन्मदिन होता है ना, हजारों लोग उनके घर के बाहर खड़े रहते हैं. ये अपने जन्मदिन पे खुद भंडारे की लाइन में खड़ा रहता है. तो फर्क तो है ही यार. प्लीज मुझे गेस्ट से बात करने दो. मानव सर ये ऐसे बातें कर रहा है. एक्चुअली कॉलेज में तो मैं फेमस बड़ा था, मुझ पर लड़कियां मरती थी माधुरी मैम. हाँ कॉलेज में दो ही तो चीजें फेमस थी, एक मैं दूसरा इसका आम पापड़ जो बेचता था. मैं आम पापड़ बेचता, तुम उधर खास पापड़ बेचते थे. तू करने क्या इधर यार. मैं इधर आज जो टीवी पे लोग हमें देखते हैं 150 करोड़ लोगों को एंटरटेन करने के लिए आया हूँ. इसी बात पे एंटरटेनमेंट के स्पेलिंग हो जाए. मैं वैसे ही वॉक करने के लिए आया हूँ यार. वॉक के स्पेलिंग हो जाए. <वाँक। laughs>
यार प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं माधुरी मैम का थैंक्स करने के लिए आया हूँ। क्यों? मेरी एक्चुअली हार्ट बीट स्लो चल रही थी पीछे, जैसे मैंने मैम को देखा मेरा दिल धक धक करने लगा है। चंद्रमुखी फिर शुरू हो गया। इतना सिकुड़ा सा शाहरुख खान, ऐसे लगता किसी ने धो के डाला, धूप में श्रिंक हो गया। फिर कसम से जिस भी तू भगवान को मानता है उसकी कसम खा के बता, तूने आज तक लाइफ में किया कुछ? क्यों नहीं किया मैंने मैम, मेरा 150 लोगों का फ्रेंड सर्कल था बचपन में, लेकिन मैंने सिर्फ इसको तवज्जो दी। अच्छा? क्योंकि मुझे पता था इसी आदमी ने बड़ा कर बड़ा आदमी बनना है। मैंने तो संजय सर कहावतें चेंज कर देनी है, मैंने नई कहावत बनानी है, हर कामयाब आदमी के पीछे एक जरूरतमंद दोस्त का हाथ होता है। मानव सर, जैसे अभी मुझे पता चला कि आप राइटिंग भी करते हैं, मैं भी कभी कभी लिख लेता हूँ। हाँ, जैसे गाड़ियां नहीं रुकती सिग्नल पे तो वो पड़ी रहती है ना, डस्ट पड़ी रहती है, तो उंगली से लिख देता है, बचा हुआ खाना देने के लिए संपर्क करें, और नंबर दे के आता है अपना। यार तुम तो ऐसे गुस्सा करो जैसे मैं फ्रेश खाना मांगता हूँ। आपको पता है इसको इसी बात पे बड़ा फख्र है, इनके परदादा जी बेचारे चल बसे फूड पॉइजनिंग से, इन्होंने पार्टी दे दी, कहता देखो हम भूखे नंगे नहीं है, खा पी के मरा मेरा परदादा। जा यार, ये सब मनगढ़ंत कहानियां। तेरे मुंह से कोई अच्छी बात निकलती नहीं, इससे गरारे कर पहले तो। सैनिटाइजर से। सर ये ऐसे मनगढ़ंत कहानियां कर रहा है तो सर, एक्चुअली आई बिलोंग टू वेरी वेल टू डू फैमिली। वेल टू डू मैं आपको बताता हूँ, जब ये पैदा हुआ ना, ओ जा यार, ओ सुनता बात यार, छोटी छोटी बात पे तू मेरे को पैदा करना शुरू कर देता है। माधुरी जी बुला रही है, इधर जाके पैदा, कभी इधर जाके, कभी कोई आता है सर मेरे को पैदा करना शुरू कर देता, जब ये पैदा हुआ तब ये हुआ। अरे बात माधुरी जी बुला रही, सुन तो सही, माधुरी मैम बुला रही है। जब ये पैदा हुआ ना, आपको पता, सुनो मेरी बात, जब ये पैदा हुआ पूरे मोहल्ले ने लड्डू बांटे, देखा जोरदार तालियां, लड्डू बांटे थे मेरे पैदा होने में, पूरे मोहल्ले ने लड्डू बांटे, कहते शुक्र है ये हमारे घर नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ था, लड्डू इसलिए बांट दे, होनहार बच्चा हमारे मोहल्ले में पैदा हुआ है। अच्छा। यार देखो तुम हर एपिसोड में मुझे पैदा करना जरूरी होता है। ये पैदा हुआ ना, नर्स आई बाहर, ओ जाओ भाई, नहीं नर्स आई थी, अब मेरे को दाई ने पैदा किया, मेरे को दाई ने पैदा किया, नर्स ने पैदा नहीं किया, नर्स बाहर आई, और नहीं आई, नहीं आई, वो अंदर ही नहीं थी, नर्स बाहर आई, नहीं आई अंदर, इसके पिताजी आई अंदर, इसके पिताजी कहते क्या हुआ, इसके मेरा पिताजी छुट्टी पे गए हुए थे। नहीं नहीं है नहीं थे मेरे पिताजी, उधर नहीं थे, बधाई मांगने वाले आते ना। नहीं नहीं वो भी नहीं आए, नहीं आए। अरे कोई और बात कर लेना थे। हाँ। तो ये जो फेम गेम आ रही है। हाँ। नर्स जब बाहर आई ना, नर्स इसके पिताजी कहते क्या हुआ, कहती गोली मारो पहले मेरे हाथ धुलवाओ। तुझे बड़ा शौक चढ़ा था ना देवदास बनने का। हाँ तो अब जब मैं बने गया तो मेरा एक छोटा सा डांस ही करवा दो मानव जी के साथ। मानव जी के साथ? माधुरी जी मेरी रेंज में नहीं है। You're in the range. तो तुझे क्या लगा मानव तेरी रेंज में? हाँ तो एक मानव दूसरे मानव की बात नहीं समझ सकता। माय बड़ो चुन्नी बाबू, 20 रुपए का चुन्नी, 10 रुपए का चुन्नी, 50 रुपए का चुन्नी, बड़ो बड़ो मेरा बच्चा है तो, अर्जो मेरा बच्चा है तो, मेरा बच्चा है तो, किसका नालायक बच्चा है तो। ए शाहरुख खान बने। हाँ। तेरी 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 हिम्मत कैसे हुई देव बाबू बनने के, इधर आके मरो, उधर लाइटिंग नहीं, इधर आओ। इतने सालों से शो कर रहे, पता ही नहीं इनको कहाँ कहाँ कैमरा। इधर आओ। चुन्नी बाबू भूल गए कि हम दोनों फिल्म में दोस्त थे, भूल गए। अबे तेरे बचपन का दोस्त तेरे को दोस्त नहीं मानता है, मायकाए का दोस्त। छोड़ दे ये सब, छोड़ दे। तुम कहते हो ये छोड़ दे, बाबूजी कहते हैं घर छोड़ दो। इसको तो पूरा मोहल्ला बोलता है घर छोड़ दो, पता है काहे को? क्योंकि ऑटो चलाता है ना। अबे देखो मैं तो माधुरी जी के साथ डांस करूंगा। नहीं मैं माधुरी जी के साथ नाचूंगा।
Why? यहाँ पर माधुरी जी के साथ डांस करने की बात किसने की? अरे माय गॉड क्या बात है, मैंने की। अरे कपिल क्यूट है, आपके शो पे दूसरे ग्रह से भी लोग आते हैं, वाह वाह क्या बात है बड़ो। दूसरे वाह दूसरे ग्रह से ओ बिड़ू। हाँ बिड़ू। ये कर क्या रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ बिड़ू, मेरा बच्चा है तो मेरा बच्चा है तो, वाह वाह क्या बात है, वेरी गुड। ये इतना बड़ा गमला, इसमें भी झाड़ लगाओ ना, लगाओ अंकल। नहीं मुझे पहले ये बताओ कि यहाँ पे माधुरी जी के साथ डांस करने की बात किसने की? मैंने की है। अब देखो मैं ना अपना ये काम जो है ना इसे छोड़ के मैं सोनी ज्वाइन करूंगा। अच्छा। और फिर जब मैं एमडी लेवल पे पहुंच जाऊंगा ना, सबसे पहले मैं तुझे नौकरी से निकलवाऊंगा। माधुरी जी के साथ डांस करोगा तू? पहले अपने अंदर से ये खाना निकालो, दो मुल्कों का खाना इकट्ठा करके बैठे हो। एक बार जोरदार तालियां द फेम गेम की पूरी स्टार कास्ट के लिए। आइए सर। माधुरी मैम जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मानव सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू संजय सर, थैंक यू लक्ष्मी। आप तो इतना बातू नहीं हो ना। मुस्कान थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां हमारे इस पूरी स्टार कास्ट के लिए। आई होप आप लोगों को मजा आया मैम। जी हाँ बिल्कुल, बहुत सुपर सुपर। आते आते रहा करो आप। थैंक यू थैंक यू सुपर। यू गाइस आर अमेजिंग। थैंक यू सो मच। अमेजिंग। थैंक यू। और दोस्तों आप सबसे अनुरोध है कि बाजारों में भीड़ करने से बचें, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। गुड नाइट, शुभ रात्रि। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।